अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो यार आज का एक और न्यू एपिसोड, और आज की जो ये वाली वीडियो है वो बेसिकली मेरे न्यू सेटअप से रिलेटेड है। कि मैंने एक न्यू जगह आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि आप लोग छोटे से स्केल पे एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। यानी 200 मिस्री का है और 200 ऑस्ट्रोलॉप का है, तो दोनों मैं आपको एक साथ साथ बताऊँगा। बट उसके से पहले मैंने सोचा कि आपको एक छोटे से दलवे बनाने की भी टिप दे दूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हो एक छोटा सा दलवा। तो उसके लिए यार ये देखो, ये मेरा न्यू सेटअप है। मैंने यहाँ के ऊपर यहाँ पे ये नई जगह बनाई है हम लोगों ने, और इसके ऊपर जो ऑलमोस्ट कॉस्ट आ चुकी है वो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये आ चुकी है इजीली। इससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, और ज़्यादा भी इससे कहीं होंगे मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार आप लगाओ माइंड में, क्योंकि अच्छा खासा सामान तो घर से ही लिया गया है जो इस काम के अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो ये है एक नया सेटअप यार, और क्या नाम है इसका, आपके सामने कि काफ़ी परफेक्ट बना हुआ है, कुछ भी नहीं है। और अगर जगह की बात करूँ इसकी तो 12x10 की जगह ये बेसिकली, या 13x10 की है, ऑलमोस्ट इतनी है। तो 100-150 मुर्गी इसमें आराम से पल सकती है। अभी आपको मेरे बर्ड दिख रहे होंगे, ये 65 बर्ड्स हैं, और भी आ सकते हैं। और जहाँ तक की बात है वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन भी यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर है और आप सुकून से इसको कर सकते हो। ये थोड़ा महंगा था, पर अगर आप ज़रा जुगाड़ू किस्म का चाहते हो जो हल्का सा हो, तो आप दूसरे उसमें भी बनवा सकते हो। जैसे कि एक अपनी मर्ज़ी का खुड्डा बनवा लो, इतना महंगा ना खर्चा करो, या फिर आप छत ही बनवानी है तो वो जो TR की, वो दूसरी चीज चादरें जो आती हैं सीमेंट की, लाहौर में तो मैंने नहीं देखी, कराची में देखी, कराची में होती है, पंजाब साइड पे नहीं होती, मैंने शायद मैंने नहीं देखी, क्या पता होती हो, तो वो वाली आप चादरें इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा जो इससे बेहतरीन जो है ना, सबसे अच्छा जो आइडिया है, इन सबसे कम कॉस्ट में हो जाएगा, वो हो जाएगा कि आप उसका काम करवा लो, फाइबर की शीट्स आती हैं और वो लग जाएंगे तकरीबन 5-10 साल की, तो छुट्टी है इजीली। 5-10 साल के अंदर लेना चाहो तो फिर नया सेटअप कर लेना, लेकिन उससे अगर 5-10 साल भी चलानी है तो उसके लिए भी वो बड़ी अच्छी चीज़ है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको लिए उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आ जाएगा 15-20 हज़ार रुपये में, आपका सारा काम डन हो जाएगा। 5.5 हज़ार रुपये की वो एक चादर है, और उसका साइज़ मेरे ख्याल से शायद 11x4 है, कन्फर्म नहीं पता मुझे। तो इस तरह का साइज़ मिल जाएगा आपको, तो तकरीबन अगर आप 100-150 का खुड्डा बनवा रहे हो उससे, तो आसपास के फ्रेम समेत तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये के अंदर, या 20-25 हज़ार रुपये के अंदर, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मटेरियल यूज़ करते हो, पुराना इस्तेमाल करते हो, घटिया इस्तेमाल करते हो, अच्छा वाला इस्तेमाल करते हो, नया इस्तेमाल करते हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपके आ जाएंगी। और फिर उस तरह आप उसका खुड्डा भी बना सकते हो, तो डिपेंड आप पर है कि आप कितना आपका अमाउंट है, किस तरह आप लगाते हो। तो ये मैंने आपको छोटा सा दिखा दिया यार कि इस तरीके से काम चल रहा है। और जहाँ तक की बात है यार ऑस्ट्रोलॉप की, तो ऑस्ट्रोलॉप का भी जो चूज़े का रेट है वो 250 रुपये का है 3 वीक का चूज़ा, छोटा चूज़ा में नहीं, और अगर एक दिन का चाहिए तो फिर वो आपको 150 रुपये का पड़ेगा। 1 वीक का और 2 वीक का चूज़ा फ़िलहाल अब मैंने ख़त्म कर दिया सेल करना, उसके पीछे वो खास दो चार रीज़न थे। और अब नया सेटअप भी यार इसके अलावा भी किया, मैंने इनक्यूबेटर लिया है एक बेसिकली, और अभी तक जो हैच निकले हैं ना मेरे पास वो 3 हैच आए, और हैचिंग रिजल्ट फिलहाल अच्छा नहीं निकला, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे, आपको अभी बाद में समझाऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो वो इनक्यूबेटर के वीडियोज़ भी आपको बताऊँगा कि वो 2000 अंडों का है, मैनुअल इनक्यूबेटर है, फुली ऑटोमेटिक नहीं है, और मार्केट रेट उसका 90 हज़ार रुपये से इस वक्त कम नहीं है। 90 हज़ार रुपये तो उसका रेट है ही है ही, अगर आप नया लो तो, मैंने यूज़ में लिया था एक बंदे से तो वो मुझे थोड़ा सा सस्ता पड़ गया था। तो वो सेटअप भी अगर आप चाहते तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बाकी इस तरह की चीज़ें थी, आपको उम्मीद है इस तरह का आपको आइडिया होगा, हो गया होगा कि अगर आप छोटा वो सेटअप रन करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हो। और यार एक बंदे ने मुझसे बात करी थी, मैसेज करा था कि आपको लगता है कि इसकी इतनी डिमांड है, जितनी मिस्री की है उतनी ऑस्ट्रोलॉप की है, तो भाई हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है मुझे कि इसकी डिमांड है। देखो आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल चीज़ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी डिमांड है या नहीं है, कि अभी तो देखो मेरे पास तो 1.5 महीने की बुकिंग है। वैसे पहली बात तो ये कि अगर डिमांड नहीं होती तो मेरे पास बुकिंग नहीं होती, मैं आपको 1-1.5 महीने से पहले चूज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास प्योर ब्रीड है, सबने देखी भी है, और एक मुर्गा इसके सामने आपको उस चीज़ में दिख रहा है जो क्रॉस हो भी होएगा भी नहीं होगा, खैर वो अलग बात है, लेकिन बाकी एकदम प्योर ब्रीड है। और ये ब्रीड आपको लोग लोकल भी भेज देंगे, फिर 4-5 महीने बाद आपके पास निकलती है तो फिर वो ख़राब निकलती है, तो इसलिए मेरे पास तो बहुत ज़्यादा डिमांड है फ़िलहाल, ठीक है। बाकी अगर डिमांड नहीं होती तो 2-3 बंदे हैं पंजाब के बेचने वाले, वो अपना रेट कम कर देते, यानी 350 रुपये का वो चूज़ा बेच रहे हैं, वो 350 के बजाय 20-30-40-50 रुपये का बेचते, जैसे मिस्री का रेट है, बट वो 350 का ही बेच रहे हैं क्योंकि उनके पास बुकिंग है 1-1.5 महीने की और डिमांड है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कहना कि डिमांड नहीं है, तो अगर डिमांड नहीं होती तो मैंने आपको बताया कि रेट इसका गिर जाता। और एक और बंदा कह रहा था यार कि
इजीली बिक जाते हैं, इसमें प्रॉफिट है। तो भाई प्रॉफिट का मैं आपको बहुत दफ़ा इसका बता चुका हूँ, इसमें प्रॉफिट कितना है, लेकिन उसके अलावा बस एक बात सोच लो, ये बात करना बस कर नहीं पूछा करो बार बार कि मिस्त्री में प्रॉफिट है या इसमें प्रॉफिट है। सिंपली बात है, अगर कोई बंदा कुछ भी काम कर रहा है, जैसे कि चप्पल भी बेच रहा है, ठीक है, और कुछ भी कर रहा है, एक मोची भी है, वो इसीलिए काम कर रहा है कि उसमें प्रॉफिट है। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होता वो नहीं काम करता। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी काम होता हुआ दिखता है तो इसका मतलब है उसमें प्रॉफिट है, इसलिए लोग कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो लोग काम ही नहीं करेंगे, और वो काम फिर क्यों करेगा? ऐसे बात है, प्रॉफिट के बगैर कौन काम करेगा? कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये ज़रूर अपने माइंड में रखो कि भाई प्रॉफिट है, हर काम में प्रॉफिट होता है, कम ज़्यादा वो अलग बात होती है, वो डिपेंड करता है रेट्स पे। अब हमने जब मिस्त्री पाला था तो 180 रुपये का हमें रेट मिला था पर केजी का, ठीक है, और अभी 350 रुपये केजी चल रहा है, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट है। आप डाल दो तो तकरीबन 2-3 महीने के अंदर आप अच्छा लेज़र ले सकते हो मिस्त्री का भी। तो अब वो पता नहीं, उसके बाद कुछ कह भी नहीं सकते कि बाद में क्या होता है, रेट ही कम हो जाए। तो सारी कंडीशन होती हैं भाई, बिज़नेस है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट है इसीलिए लोग कर रहे हैं और काम हो रहा है। मार्केट के अप डाउन तो होते रहते हैं हर चीज़ के अंदर ही, कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो एकदम प्रॉपर चलता हो और एक ही कॉन्स्टेंट प्रॉफिट देता हो। हाँ, जॉब में ऐसा हो सकता है, बट इसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बात मैंने आपको इसमें क्लियरिफाई कर दी। तो यार अगर आप लोगों ने, जैसे कि अब बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते हैं, ये सवाल करते रहते हैं, तो भाई एक सिंपल चीज़ जो अपनाओ कि अगर कर लिया है तो फिर एक चीज़ के अंदर एंटर हो गए, देखो अगर एंटर हो गए तो फिर समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें खुलती हैं। अब अगर मैं मिस्त्री नहीं पालता, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सिंपल सी मेरी अपनी, तो मुझे नहीं पता था कि मिस्त्री के मार्केट में क्या डिमांड है, जिस तरह बाकियों को नहीं पता, इसलिए मैंने 200 डाले थे कि ये अगर बिक गए तो फिर बाद में देखेंगे, बट ऐसा समझ में आया तो मैंने फिर 6-7 हज़ार भी डाले, डिमांड थी इसीलिए डाले। हमें मुझे आइडिया हुआ कि यार ये काम भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो अगर आप एक दफ़ा फील्ड में घुस जाते हो, सिर्फ बैठे बैठे ख्याली पिलाव की बात नहीं होती, अगर आप फील्ड में घुस गए तो फिर आपको समझ में आता है। अब ऑस्ट्रो लॉब एक रेयर ब्रीड है, लोग सोचते हैं कौन 250 का चूज़र ख़रीदेगा हमसे बाद में, तो मैं भी ये सोचता था, पर जब ख़रीदा तो ऐसा ऐसा अंदाज़ा हो रहा कि नहीं यार डिमांड है इसकी, मार्केट में लोग बेच रहे हैं, अच्छे रेट्स में निकल रहा है, अच्छी इनकम दे रहा है, मिस्त्री से बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें फील्ड में आने के बाद घुसती हैं, फील्ड पता लगती हैं, फील्ड में जब आप एक दफ़ा घुस जाते हो या आ जाते हो तो उसके बाद आपको ये पता लगता रहता है कि क्या क्या मार्केट प्लेसेस है, किस किस तरीके से सेल किया जा सकता है, किस किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। ये होता है, इस तरह हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप बैठे बैठे सोचो कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं है। तो नहीं, आपको फील्ड को टाइम देना पड़ेगा, फिर आप फील्ड को अंदाजे में लाओगे कि यार ये काम की है और ये काम की नहीं है। तो खैर जो भी हो, प्रैक्टिकल वे में करो, चाहे बहुत छोटा स्केल पर स्टेप लो, 100 चूज़ों से लो, 50 से लो, एटलीस्ट लो, तब समझ में आएगा। यानी एक बंदा है मेरे पास, वो पिछले 3-4 महीने से मुझसे मैसेज पर कॉन्टैक्ट में है और वो अभी तक कंफ्यूज है कि वो एक दोस्त बन गया था, अच्छा बंदा है, तो उससे मेरी बात रहती है, मैंने नॉर्मली सबको इतना टाइम नहीं दे पाता, तो वो अभी तक कंफ्यूज में है कि ये काम प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कहीं मैं अपना इन्वेस्टमेंट डुबो तो नहीं दूंगा। बेसिकली वो जो है वो जॉब करता है, तो हलाल के पैसे उतनी बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं, तो वो डर है उसको कि उसके पैसे ना डूब जाएँ। तो यही बात है यार कि इतनी लंबी प्लानिंग से अच्छा है एक छोटा सा इनिशियल स्टेप ले लो, जिससे आपको मार्केट का और हर चीज़ का आइडिया हो जाए। जैसे बात है, उस टाइम प्रॉफिट तो नहीं होगा 100-200 के अंदर, बहुत माइनर सा प्रॉफिट होगा, बट आपको बड़े लेवल की जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें समझ में आती रहेंगी। यानी बेबी स्टेप्स में भी चले तो भी वन डे एक बड़े हो सकते हो, लेकिन अगर स्टेप ही नहीं लोगे तो यार वो पीछे के पीछे ही रहोगे, और फिर इस तरीके से आपको बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस यार ये बात थी, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको बाकी चूज़ें वूज़े भी आपको दिखा दी कौन कौन से एच निकले हुए, अभी 20 डे का है, बाकी रेट भी आपको मैंने बता दिए। और अगर कोई यार मेरी पोल्ट्री की बुक परचेज़ करना चाहता है तो वो भी ले सकता है पोल्ट्री की बुक, जिसमें आपको पोल्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1000 की थी पहले, 500 रुपीज़ की कर दी है मैंने, और काफ़ी अच्छी बुक है, यानी आपको सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाएंगी, जो जो बेसिक्स पोल्ट्री के हैं, बहुत सारे सवाल जो आपको नहीं पता वो सब उसमें आ जाएंगे PDF फॉर्मेट में। आप सिंपली मुझे पैसे सेंड करोगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे बुक सेंड कर दूँगा। तो अगर कोई चाहता है इनिशियल स्टेप में लेना तो उससे भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बस यार वीडियो आज की बहुत लंबी होने वाली है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और प्लीज़ यार कॉल नहीं किया करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, कॉल का रिप्लाई मैं नहीं करता, जाहिर सी बात है बिज़ी होता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप पर आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, कोई मसले की बात नहीं है।